अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इजी टू वर्ल्ड चैनल। इसमें हम आपको दिखलाएंगे कि किस तरह आउटर के अंदर इन्वर्टर कार्ट लगाया जाता है। ये कैनवुड का एसी है। सबसे पहले हम इसका आउटर का कवर खोलेंगे। ये देखें, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्ट नहीं लगा। अब हम इसके अंदर आपको इंस्टॉल करके दिखलाएंगे कि किस तरह इन्वर्टर कार्ट लगाया जाता है। ये इस तरफ से इसे क्लिप बना हुआ है, इस क्लिप में बिठाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर एक इसका क्लिप बना हुआ है, ये इसमें बिठाकर इसके स्क्रू लगाए जाएंगे। दो स्क्रू इस जगह पे लगेंगे और दो स्क्रू इसमें लगेंगे। इसमें लगा ये भी लगा। स्क्रू के जरिए हमने अपने कार्ट को फिक्स कर दिया है। अब हम इस कार्ट पे टर्मिनल क्लिप लगाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करेंगे। ये ट्रांसफार्मर की कनेक्शन हो रहे हैं। कंप्रेसर के कनेक्शन लगाएंगे, कंप्रेसर के 1, 2, 3, 4। ये देखें, इस पर लिखा भी हुआ 1, 2, 3 ऑरेंज, वाइट और ब्लैक, इस तरह कनेक्शन। ये कनेक्शन करेंगे कंप्रेसर के 1, 2, 3 ऑरेंज, वाइट और ब्लैक। अब हम आउटर के फैन का क्लिप लगाएंगे। ये फैन का जैक लग चुका है। ये फैन के कनेक्शन हो गए हैं। ये इसके कंप्रेसर के कनेक्शन है। ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। अब हम सेंसर के कनेक्शन करेंगे। ये इसके सेंसर लगाए हैं, तीन सेंसर हैं। तीनों सेंसर के कलर कोडिंग देख लें आप, येलो, ब्लैक और रेड कलर। एक कंडेंसर, दूसरा जो है कंप्रेसर की सेक्शन लाइन पे और तीसरा डिस्चार्ज की सेक्शन लाइन पे। ये तीन सेंसर हैं इसके। सबसे पहले एक सेंसर कंडेंसर पे लगा है। कंडेंसर पे आप देख रहे हैं, पीछे कंडेंसर पे लगा है। दूसरा सेंसर कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगाया गया है और तीसरा जो है सेंसर वो कंडेंसर की बैक साइड जाली के पीछे लगाया गया है। ये तीन सेंसर लगाए हैं इसमें। ये हमारा सर्किट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको बंद करेंगे। ये इसका कवर लगा दिया है ऊपर का। ये इंडोर टू आउटर इसके कनेक्शन कर दिए हैं और अब हम इसको चलाकर आपको दिखलाएंगे बंद करके। ये देखिए, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और इसकी सेक्शन डिस्चार्ज भी आपको चेक करवाते हैं। ये इसकी डिस्चार्ज पाइप है, ठंडा हो रहा है और ये इसका रिटर्न का सेक्शन पाइप कहलाता है ये। और ये इसका चार्जिंग वाल लगा हुआ है। आप इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इजी टू वर्ल्ड चैनल, शुक्रिया।